गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सहसंबंध पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम लोग ने पहले स्पीयर मुस्का कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पढ़ लिया है। सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध की क्या प्रकार हैं, और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की गणना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं निश्चयन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, जब सहसंबंध विश्लेषण का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो निश्चयन गुणांक की गणना की जाती है। निश्चयन गुणांक हमें बताता है कि स्वतंत्र चर आश्रित चरों में होने वाले परिवर्तनों के लिए कितना उत्तरदायी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को डिनोट करते हैं आर स्क्वायर से। जैसे यदि सहसंबंध गुणांक आर है 0.6 है तो निश्चयन गुणांक आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.36 होगा, जिसका आशय यह है कि वाई चर में 36% परिवर्तन एक्स चर के कारण ही होते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, फिर हमने पढ़ा निश्चयन गुणांक, और हम पढ़ रहे हैं स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति। स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है रैंक डिफरेंस मेथड। इन्होंने बताया है कि जब भी तथ्यों का संख्यात्मक मापन संभव नहीं होता है तो वहाँ केवल हम लोग तथ्यों को क्या है, रैंक दे सकते हैं। जैसे सुंदरता, बुद्धिमता आदि जो हमारे गुणात्मक गुण होते हैं, तथ्य होते हैं, इन्हें अंकों में मापना कठिन होता है, इन्हें केवल हम रैंक ही दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति। यहाँ हम लोग स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति का प्रयोग करके सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हमें कोटि क्रम प्रदान करना होगा, सबसे पहले हमें रैंक देने होंगे। जो भी हमारी एक्स श्रेणी है या वाई श्रेणी है, जो भी पदमूल्य हैं, उन सभी एक एक पद को हमें रैंक देना होगा। यह रैंक हम अधिकतम मूल्य वाले को से शुरू कर सकते हैं या कम मूल्य वाले से शुरू कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक्स श्रेणी में जो भी मूल्य दिए गए हैं उसमें जो अधिक सबसे बड़ा पद है उसे हम वन नंबर दे देते हैं, और कई बार हम को यह कर सकते हैं कि जो सबसे छोटा है हम उसे वन नंबर दे सकते हैं। तो सबसे अधिक या सबसे कम वाले के आधार पर रैंक दे के हम आगे की गणना करेंगे। तो हमने रैंक दे दी है, इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे कोटि अंतर या क्रमांतर ज्ञात करना। जब हम एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी के पदमूल्यों को हमने रैंक्स दे दी हैं तो अब हम उनके बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर को डिनोट करेंगे डी द्वारा, डी मीन्स डिफरेंस। इसके बाद है हमारा थर्ड, क्रमांतरों का बीजगणितीय जोड़। यहाँ पर सदैव शून्य ही होता है, और हमारा यह फॉर्मूला है आर स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, और फिर है एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन। यह हमारा स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति का फॉर्मूला है। आगे हम लोग देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास। इलस्ट्रेशन में हमारे पास एक्स सीरीज के मूल्य हैं, वाई सीरीज के मूल्य दिए रखे हैं। वह कह रहा है कि सबसे बड़े आकार वाले मूल्य से कोटि क्रम देना प्रारंभ करें, और सेकंड है सबसे छोटे आकार वाले मूल्य से कोटि क्रम देना प्रारंभ करें। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ हमारा सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। तो हमने एक्स सीरीज लिखी है, एक्स सीरीज़ के हमने जो हमने रैंक दे रहे हैं, सबसे पहले हम लोग रैंक दे रहे हैं 80 सबसे बड़ा पदमूल्य है, तो हम लोग यहाँ 80 को वन नंबर दे रहे हैं। 80 के बाद हम लोग देखते हैं 79 है, उसको सेकंड दे रहे हैं, फिर 72 को थर्ड, ऐसे हमने सारे रैंक्स दे दिए हैं। इसी प्रकार हम वाई श्रेणी के मूल्य लिखेंगे और उसको भी रैंक दे देंगे। फिर हम जो भी रैंक्स आई है हमारी एक्स और वाई की, उनका डिफरेंस लिखेंगे डी। जैसे एक्स फर्स्ट हमारा मूल्य है 70, तो उसकी रैंक है 4 और इधर है 6, वो 4-6 क्या, तो ये आ गया माइनस के 2, फिर 6-4 करेंगे प्लस का 2, फिर 8-2 करा तो प्लस का 6, फिर 10-10 0, ऐसे हमारे पास ये डी आ गया है। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे डी स्क्वायर हो गया, और उसका टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड हमने यूज़ किया है, कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड हम लिखेंगे, और इसमें हम जो सबसे बड़ा मूल्य है उसे हम, पहले हमने सबसे बड़े को 1 दिया था, अब हम सबसे छोटे को 1 देंगे। यहाँ सबसे छोटा है 30, उसको दिया है हमने 1 मूल्य, फिर है 40, उसको दिया है सेकंड,
इसी तरह यहाँ रैंक दे दिए एक्स को, इसी तरह हम वाई को दे देंगे, फिर डी निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग आर निकालें फर्स्ट में, वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन, तो वन माइनस सिक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है हमारा फर्स्ट वाले में 54 अपॉन करेंगे एन है हमारे 10 नंबर्स हैं, 10 स्क्वायर माइनस वन करेंगे ये हमारा निकल के आ गया 0, प्लस का 0.67। इसी तरह हमने सेकंड वाले मेथड में भी निकाल लेंगे और ये भी आएगा। मेथड तो हमारा ये था कि एक बार हमें बड़े वाले को वन नंबर देना है, एक बार हमें छोटे वाले को वन नंबर देना है, बाकी दोनों से हमारा आंसर सेम ही आया है। यहाँ स्पष्ट है कि कोटि क्रम सबसे बड़े आकार वाले मूल्य को दिया जाए या सबसे छोटे आकार वाले मूल्य को, आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट।